प्रभु श्री राम ने कहा, भैया पिताजी का आदेश है, दो चार दिन के लिए जंगल में जा रहा हूँ और लौट करके दो चार दिन बाद घर वापस आ जाऊंगा। लक्ष्मण ने कहा, भैया अगर आप जा रहे हैं तो आपके साथ मैं भी चलूंगा। प्रभु श्री राम ने बहुत समझाया परंतु लक्ष्मण नहीं माने। लक्ष्मण और सीता, प्रभु श्री राम, तीनों प्राणी बड़े ही हर्ष के साथ में सजे हैं। और रथ को जब सुमंत ने सजाया, नगर के नगरवासियों के कान में जब ये बात पहुंची कि मेरा राम इस अयोध्या को छोड़ करके जा रहा है, मेरा योगेश्वर हमें छोड़ करके जा रहा है, पशु पक्षी पेड़ पौधे गाय बछड़े जीव जंतु सभी त्राहिमान त्राहिमान कर रहे हैं, हे भगवान आपके बगैर हमारा जीवन कटेगा कैसे। सभी पुरवासी एकत्रित हो गए। मेरे प्रभु राज महलों से जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, पुरवासियों का जमावाड़ा लग गया। तो भगवान ने एक बात कही है, पुरवासियों कि हम तो चले परदेश, हम पर देसी हो गए। हे नगरवासियों, मैं तो जा रहा हूं, आप सभी बड़े हित प्रेम के साथ अपना जीवन व्यतीत करना, और झूठा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, झूठा अपना देश, हम परदेसी हो गए। सबको समझा रहे हैं, हे पुरवासियों, हम तो चले पर देश, हम पर देसी हो गए, छूटा अपना देश, हम पर देसी हो गए। भगवा देश, हम पर देसी हो गए, करके भगवा देश, हम पर देसी हो गए, छूटा अपना देश, हम पर देसी हो गए। हम तो चले पर देश, हम पर देसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए।
याद हमारी तुम अपने ही दिल में न लाना, याद हमारी प्रवासियों, मैं अपने पिता के आदेश का पालन कर रहा हूं। मेरी जब भी याद तुम्हें आए तो मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उन्हें समझाना। अरे माना ये आदेश हम वनवासी हो गए, माना ये आदेश हम वनवासी हो गए, छूटा अपना छोटा भाई इस भरत राजपाट को देखभाल करे। धातु भरत की आज्ञा तुम कभी न मन ठुकराना, धातु भरत की आज्ञा तुम कभी नहीं ठुकराना, सौंप चला हूँ राजपाटी से बढ़िया करे चलाना, सौंप जा रहे हैं। हमारे भैया की बात को कभी मत टालना, जैसे वो कहे वही करना। मैं पूरा राजपाट आपको दे करके जा रहा हूं। समझो बात विशेष हम पर देसी हो गए, समझो बात विशेष हम पर देसी हो गए, छूटा अपना देश हम देसी हो गए, हम तो चले परदेश हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए, हम तो चले परदेश हम हो गए, टूटा अपना देश हम देश।
तो चले परदेश हम पर।